नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। नेपाल में कोरोना से और 16 गोटे की मृत्यु, आए और 1154 गोटे संक्रमित बढ़ल। आज से आंतरिक हवाई सेवा शुरू, जनकपुर धाम में सेहो काठमांडू से दूटा उड़ान भेल। सड़क विस्तारक क्रम में जनकपुर धामक सुकुम्बासी बस्ती में डोजर चलल, वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर घर तोड़ल गेल उपराग। बेरोजगारी समस्या विकराल, रेलवे में 129 सीटक लेल जनकपुर धाम में मात्र प्रतिदिन करीब 2500 गोटे आवेदन दे रहल। बिना ऑक्सीजन 10 बेर सगरमाथा के सफर आरोहण कने आंग रीता शेरपा के निधन। आप समाचार विस्तार में। नेपाल में कोरोना वायरस के कारण और 16 गोटे की मृत्यु भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार झापा में 72, सुनसरी में 49, परसा में 88, भक्तपुर में 84 आ 62 वर्षक पुरुष के मृत्यु भेल। तहिना काठमांडू में 58 आ 73 वर्षक, मकवानपुर में 68, ललितपुर में 61, चितवन में 55, रूपंदेही में 67, बांके में 50 आ 59 वर्षक पुरुष के कोरोना से मृत्यु भेल। तहिना मकवानपुर में 17, ललितपुर में 58 आ दोलखा में 52 वर्षक महिला के मृत्यु भेल। एहि संगे नेपाल में कोरोना से मृत्यु होला के संख्या 427 पहुँचल। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 1154 गोटे कोरोना के नया संक्रमित भेटल, जाहि में काठमांडू उपत्यका में मात्र 674 गोटे रहल। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 65376 पहुँचल। अखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 17611 रहल। तहिना पिछला 24 घंटा में और 1005 गोटे कोरोना मुक्त होकर घर घूरल। अखन धरि 47238 गोटे इलाज बाद ठीक भेल। एम्हर प्रदेश दू में आय और 76 गोटे कोरोना के नया संक्रमित बढ़ल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार आय सबसे बेसी रोथड़ में संक्रमित भेटल। रोथड़ में 26, सप्तरी में 24, महत्तरी में 14, सरलाही में 7, बारा में 2, परसा में 1 आ भारतीय 2 गोटे कोरोना के नया संक्रमित भेटल। एहि संगे प्रदेश दू में कुल संक्रमित के संख्या 13022 पहुँचल। अखन धरि प्रदेश दू में कोरोना संक्रमण से 122 गोटे के मृत्यु भऽ चुकल। प्रदेश दू में सबसे बेसी परसा में 42 गोटे के मृत्यु भेल। तहिना बारा में 18, धनुषा में 15, महत्तरी में 13, सिरहा में 11, सप्तरी में 11, रोथड़ में 6, सरलाही में 5 आ एक भारतीय नागरिक के मृत्यु भेल। आय 49 गोटे कोरोना से मुक्त भक आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल। अखन धरि प्रदेश दू में 116026 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल, जाहि में 3274 टा स्वाब के नतीजा आब बाकी। आई प्रदेश में 1104 गोटे आइसोलेशन में आ 4703 गोटे होम आइसोलेशन में रहल। तहिना क्वारंटाइन में 330 आ होम क्वारंटाइन में 1491 गोटे रहल। आज से आंतरिक हवाई सेवा शुरू भेल। कोरोना संक्रमण के जोखिम बढ़ल कहत चैत 11 गति से बंद भेल नियमित हवाई सेवा 180 दिन बाद शुरू भेल। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के आंतरिक टर्मिनल में स्वास्थ्य सावधानी आ चेक जांच के व्यवस्था मिलल गेल। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल प्रमुख देवेंद्र केसी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन आईकाओ बनौने प्रोटोकॉल पालना क के सेवा संचालन भेल बतौलन। लाइफ मेन्टेन करें आई दिन सुरक्षा सब अनुरोध करलाइन सब अनुरोध कर पस्ने बेला में टेम्परेचर चेक कर सके विमानस्थल प्रवेश द्वार में सैनिटाइजर राखा छो रहा भिंत्र पसे फिर सिक्युरिटी चेक में सिक्युरिटी चेक करने सब सब फर्स्ट थिंग इज कमिंग इनसाइड द एयरपोर्ट फ्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गोल्डन गेट बाट प्रवेश गर्दा मास्क बिना प्रवेश निषेध गरिएको छ। जो कोईला यो स्वास्थ्यक लागि हो र यदि कसैले ल्याउन बिर्सनु भयो रहिन छ भने हामी त्यसको व्यवस्थापन गर्छौं दिएका छौं। अराइभल यात्रुलाई दिने चलन छ, डिपार्चरलाई दिने चलन छ। विमानस्थल सेवा संचालन भेल पहिल दिन यात्रु के चाप बेसी देखल गेल।
आय अनुमति पाउने विमान सब भद्रपुर, विराटनगर, राजविराट, जनकपुर, सिमड़ा, भरतपुर, भैरावा, नेपालगंज, धनगढ़ी, लुकला, फापलू सहित के स्थान समय उड़ान कलक। एम्हर जनकपुर धाम में सेहो स्वास्थ्य सावधानी अपना का आंतरिक उड़ान शुरू कल गए। पहल दिन काठमांडू से जनकपुर धाम के दूटा उड़ान भेल। सामाजिक दूरी कायम कर पूर्ण स्वास्थ्य सतर्कता अपना का हवाई यात्रा शुरू भेल। जनकपुर धाम विमानस्थल के प्रबंधक किरण गौतम जानकारी दिलन ओ अखन भाड़ा में बढ़ोतरी नहीं कर दिन में दूटा विमान संचालन भेल आ इस संख्या धीरे धीरे बढ़ेबाक सेहो बतौलन। राज्यभरि नै सुचारू भएको छ। हाम्रो जनकपुरमा पनि अब हाल चाहिँ बुद्धले एउटा र यति एयरलाइन्सले एउटा गरेर दुईवटा दैनिक दुई फ्लाइट चाहिँ त्यसरी सेड्युलिङ भएको छ भनौँ न। बुद्ध एयरलाइन्सको चाहिँ बिहान 11:30-12 छ र उसको चाहिँ 4:40 काठमाडौँ, यति एयरलाइन्सको चाहिँ 4:40 काठमाडौँबाट उड्ने सेड्युल एप्रुभ भएको छ। आई बुध आ यति एयरलाइंस के एक एकटा उड़ान भेल छे। उड़ान शुरू भेला बाद यात्रु सब खुशी भेल देखल गेल छ। विभिन्न देशक राजदूत सब कोरोना संक्रमण के कारण समस्या में पड़ल नेपाली नागरिक सबक उद्धारक लेल नियमित उड़ान संख्या बढ़ावा सरकार के सुझाव दिलक। नेपाल आब नहीं पौने, रोजगारी गुमौने आ भिसा अवधि समाप्त होला बाद हजारों नेपाली सब घूर तैयार रहला से उड़ानक संख्या बढ़ाल जेबाक सुझाव राजदूत सबके रहल। आई संसद के उद्योग तथा वाणिज्य आश्रम तथा उपभोक्ता हित समिति में भेल वर्चुअल परामर्श में राजदूत सब नेपाली कामदार सबके अवस्था के विषय में समेत जानकारी कोरलक। मलेशिया के लेल नेपाली राजदूत उदयराज पांडे 11,000 से बेसी नेपाली स्वदेश घुरल पर एखनो करीब 8,000 घुरबाक तैयारी में रहल बतौलन। तहिना कुवैतक लेल नेपाली राजदूत दुर्गा प्रसाद भंडारी कुवैत में 70,000 कामदार रहल में 9,200 से बेसी स्वदेश घुरबाक नाम दर्ता करूने जानकारी दिलन। अखन धरि करीब 5,400 गोटे नेपाली स्वदेश घुरल सेहो ओ जानकारी दिलन। तहिना कतार के लेल नेपाली राजदूत डॉक्टर नारद नाथ भारद्वाज 20,000 से बेसी स्वदेश घुरबाक लेल नाम दर्ता करूने जानकारी दिलन। तहिना सऊदी अरेबिया के लेल नेपाली राजदूत डॉक्टर महेंद्र प्रसाद सिंह 28,000 से बेसी स्वदेश घुरबाक लेल निवेदन दिलो पर 10,000 के मात्रे भेज सकल जानकारी दिलन। बहराइन के लेल नेपाली राजदूत पदम सुंदास अखन धरि 1,100 के स्वदेश घुड़ौने कहत दसई के समय में चाप बढ़ सकबाक जानकारी दिलन। जनकपुर धाम के सुकुम्बासी सब वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर सरकार अपन घर तोड़ देने उपराग कलक। आज जनकपुर धाम के मिल्स एरिया से मुसहरी टोल धर सड़क विस्तार क्रम में घर तोड़ल गला बाद सुकुम्बासी सब एहन उपराग कलक। 900 मीटर के बाट में ओकर कात में अपना सब वर्षों से रहते आयल आ सरकार कोनो व्यवस्था नहीं कर घर तोड़ देने ओकर सबक उपराग। नेता सब ये क्लब के आदमी सब रह कहने कि अहाँ सबके घर उठा रहे से पहले अहाँ सबके हम से कोई से व्यवस्था कर देते। हमार कहिए ठीक है व्यवस्था कर देते, हमरा सबके जगह जमीन नहीं है, रह के ठाव नहीं है, कहिए आरो बढ़िया बात है व्यवस्था कर देते तो हम सब वही चल जाए। आज के टाइम में देखियो कोई नहीं व्यवस्था नहीं कुछ, डोजर मंगा के वो आदमी की कल के आप पर्सनल डोजर है, पर्सनल डोजर मंगा के क्लब के आदमी सब दू चार गो आरो मास बना के लिए सबके घर से उल्टा दिल के। अभी हम सब जो रोड में चल अलिए नहीं घर नहीं द्वार आ नहीं जो अहाँ के जगह जमीन है, हम सब अभी बाल बच्चा लग कत जेबे। घर टूटला बाद सुकुम्बासी सब समस्या में पड़ल छे। अपना सबके बाल बच्चा अपना सब बाल बच्चा लक सड़क में रह बाध्य भेल सेहो ओकर सबक उपराग। घर भाड़ा में सेहो केओ नहीं दढ़ल वो सब बताए रहल। कोरोना के लोग एक दोसर के नजदीक में नहीं जाए, भाड़ा तो बहुत दूर के बात भ गए, कहाँ से लोग सब भाड़ा देते, हमारा सबके भरो नहीं दे रहा है। ये सब दलित वर्ग है, कथी खेने कथी पीने कत काम करे है, केहन जाति कह के जाति ऊपर प्रभाव पड़े ने। एम्हर जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के उपप्रमुख रीता मिश्रा उपमहानगरपालिका सुकुम्बासी सबक लेल बसवास के व्यवस्था करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कलन। ओ उपमहानगरपालिका में संपर्क कर सेहो आग्रह कलन। अहाँ सब कते घर छी जेकरा अहाँ के भूमि विहीन छी
ओकरा लेल ग्रुप मे आज नगर पालिका जनकपुर हम पाँच बेर अहाँके बसेबे करती जहन अहाँके कहाँ कहाँके आदमी अहाँके देखै छी बीघा के बीघा जमीन हरैत के बैस रहल छै तऽ ओसब सुकुमवासी छथिन हुनका हमर सबके दायित्व छै आइ जे अहाँके भूमिविहीन के लेल अहाँके योजना भी आयल छै से अहाँ हुनका सबके योजना तहमे हुनका सबके अहाँ डाटा कलेक्शन करू आ तब हुनका सबके किछु सहयोग करू कहिके भी अहाँके एहि बेर अहाँके समूह सरकार से कार्यक्रम आयल छै ताहि लऽ कऽ ओ तऽ एकदम निफिकिर भऽ कऽ हमरा से संपर्क करत आ हम हुनका सबके एकदम हम पूरा व्यवस्था करबे करबै से अहाँके कहऽ चाहै छी। सरकार जनकपुर परिक्रमा व्यापारिक मार्ग विस्तार योजना अंतर्गत सड़क विस्तार कऽ रहल अछि। सड़क निर्माणक ठेका पौने कंपनी प्रशासन तथा स्थानीय सरकार के सहयोग में आइ भिनसर सुकुमवासी सबके घर तोड़ल गेल छल। नेपाल रेलवे में नौकरी के लेल आवेदन देबा दस्तूर बुझा वाला सबके बैंक में भीड़ लागल अछि। नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड के खाता रहल एवरेस्ट बैंक में दस्तूर बुझा वाला सबके भीड़ देखल गेल अछि। एवरेस्ट बैंक के जनकपुर धाम शाखा प्रबंधक विनय उपाध्याय दैनिक करीब 2500 गोटे धरि आवेदन देबाक लेल भौचर कटेबाक काज कऽ रहल जानकारी देलनि अछि। ओ दस्तूर बाबत दैनिक 10 लाख धरि राजस्व संकलन भऽ रहल सेहो जानकारी देलनि अछि। पहिले एवरेस्ट में 2000-2500 वैकेंसी भर्दै भरिराखेको अवस्था छ। हामीले सकेसम्म आफ्नो सुरक्षा त अपनाएका छौँ। कोभिडसँग रिलेटेड मास्क लगाउने, सैनिटाइज करने यथासम्भव प्रयास त भयो। तर पनि अब मास्कलाई हेरेर धेरै संख्यालाई हेरेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ केही थोरै भयो। नेपाल रेलवे आवश्यक विवरणक सँगै दस्तूर बुझाउने रसिद सहित कम्पनीको वेबसाइट मार्फत अनलाइन दरखास्त दऽ सकबाक व्यवस्था कयने अछि। नेपाल रेलवे भादो 29 गते 129 गोटे कर्मचारीके माँग करैत विज्ञापन निकालने छल, जाहिमे अधिकृत स्टेशन मास्टर, इंजीनियर, प्राविधिक सहित टिकट विक्रेता, टिकट कलेक्टर, गैंगमैन, इंचार्ज, रेलगार्ड सहितके कर्मचारी सब माँग कयल गेल अछि। कम्पनी आसिन 12 गते धरि दरखास्त दऽ सकबाक समय तोकने अछि। नेपाल रेलवे स्वैच्छिक योग्यता, कार्य अनुभव आ अन्तर्वार्ता के माध्यम सँ करारमे कर्मचारी भर्ना करऽ लागल अछि। प्रदेश दू के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत तो आसिन 24 गते होबय लागल आधिकारिक ट्रेड यूनियन के निर्वाचन स्थगित करऽ संघीय सरकार संग आग्रह कयलनि अछि। आइ संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री हृदय त्रिपाठी के पत्र भेजैत मुख्यमंत्री राउत तो निर्वाचन स्थगित के मांग कयलनि अछि। थ्रेश होल्ड विवाद संबंधी मुद्दा अदालत में विचाराधीन रहल आ कोरोना वायरस महामारी के कारण सेहो अखन चुनाव करब उपयुक्त नहि हेबाक हुनक कथन अछि। एहिसँ पहिने नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मंच निर्वाचन तत्कालक लेल स्थगन करब मांग करैत निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय में ज्ञापन पत्र बुझौने छल। मंच मांग संबोधन बिना आधिकारिक ट्रेड यूनियन के चुनाव कराबऽ लागल कहैत आपत्ति जनबैत आयल अछि। आधिकारिक ट्रेड यूनियन के निर्वाचन के लेल 10% थ्रेश होल्ड खारिज कऽ कऽ 3% कायम कयल जेबाक मंचक मुख्य मांग अछि। ट्रेड यूनियन के अधिकार से वंचित करबाक उद्देश्य से ई प्रावधान राखल गेल सेहो मंचक ठहर अछि। विश्राम बाद समाचार में स्वागत अछि। मोरंग के ग्राम थान में पोखरि में डूबि कऽ 3 गोटे के मृत्यु भेल अछि। पोखरि में 13 वर्षक पवित्रा आ 9 वर्षक कृतिका डूबला बाद उद्धार के लेल गेल 35 वर्षक ओकर माय सीता अधिकारी के सेहो मृत्यु भेल अछि। जिला प्रहरी कार्यालय मोरंग के प्रवक्ता DSP मान बहादुर राय के अनुसार सीता के बेटी सब माछ के दाना देवा क्रम में डूबल आ ओकरा सब के निकाल पोखरि में पहुँचल सीता के सेहो मृत्यु भेल जानकारी देलनि अछि। ग्राम थान गाँव पालिका के अध्यक्ष शिव नारायण माझी रवि के साँझ घर में नहीं भेटला बाद खोजबा क्रम में 3 गोटे के शव पोखर में भेटल जानकारी देलने छे। बिना ऑक्सीजन 10 बेर धरि सगरमाथा के सफल आरोहण कयने आंगरिता शेर्पा के निधन भेल अछि। नेपाली पर्वतारोही शेर्पा के 72 वर्षक उम्र में निधन भेल अछि। सोलुखुम्बू के थमो में जन्मल शेर्पा सन 1983 से सगरमाथा आरोहण शुरू कयने छलथि। ओ 12 वर्ष के अवधि में 10 बेर धरि बिना ऑक्सीजन सगरमाथा के सफल आरोहण कयने छलथि। हुनका ह्यू चितुआ उपनाम से सेहो चिन्हल जाय छल।
सप्तरी के रोपनी गांव पालिका वड़ा नंबर 6 के अध्यक्ष गोविंद सिंह थापा के निधन भेल अछि। आइ एकाएक गंभीर बीमार पड़ल थापा के इलाजक लेल अस्पताल दिस लऽ जेबा क्रम में बाटे में मृत्यु भेल परिवार जन जानकारी देलक अछि। 2 सप्ताह पहिने पेट आ हाथ गोड़ सुन्न भेला बाद हुनका विराटनगर स्थित विराट नर्सिंग होम में भर्ना कऽ कऽ 9 दिन धरि इलाज कयल गेल छल। अस्पताल दवाई दक घर में आराम कर कहे 3 दिन पहिने मात्र डिस्चार्ज के बाद वो घर में रहती आयल छे। धनसा में दहेज मुक्त मिथिला अभियान नेपाल विभिन्न रोग से ग्रसित बीमार के आर्थिक सहयोग कलक। सबैला नगरपालिका वड़ा नंबर 10 खड़ियानी के ब्लड कैंसर पीड़ित राजेश कापड़ आ हंसपुर नगरपालिका निवासी पैरालाइसिस पीड़ित ऋतिक कुमार शाह के आर्थिक सहयोग कलक। अभियान के अध्यक्ष ललन कापड़ कैंसर पीड़ित कापड़ के 51,100 आ पैरालिसिस पीड़ित शाह के 15,155 रुपया आर्थिक सहयोग कने जानकारी दिलन। तहिना देश विदेश शाखा रहल दहेज मुक्त मिथिला अभियान 1 महीना से लगातार प्रत्यक्ष आ अप्रत्यक्ष रूप में गरीब आ असहाय व्यक्ति सबके सहयोग करते आयल। संसदीय समिति कार्तिक 7 गते धरि विज्ञापन बोर्ड गठन कऽ कऽ टेलीविजन चैनल प्रसारण में क्लीन फीड लागू कर सरकार के निर्देशन दिलक। विज्ञापन नियमन करवाला आइन अनुसार कार्तिक 7 गते भीतर विज्ञापन बोर्ड गठन कऽ कऽ क्लीन फीड लागू कर समिति सरकार के निर्देशन दिलक। संसद के विज्ञान तथा प्रविधि समिति डाउन लिंक अनुमति लऽ कऽ नेपाल में प्रसारण में रहल टीवी चैनल सबके विज्ञापन रहित बनाब संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय के निर्देशन दिलक। विज्ञापन रहित होब नहीं सकल चैनल सबके प्रसारण रोक मंत्रालय बनौने कार्य योजना 15 दिन भीतर समिति में पेश कर सेहो निर्देशन दिल गेल। समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड़का जानकारी दिलन। विज्ञापन नियमन करने ऐन को पूर्ण कार्यान्वयन का 2077 कार्तिक 7 गते भित्र विज्ञापन बोर्ड गठन करी ऐन को दफा 6 बमोजिम डाउन लिंक अनुमति लिएर नेपालमा प्रसारण गरिरहेका टेलिभिजन च्यानललाई विज्ञापन रहित बनाउन समिति संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशन गर्दछ। दोस्रो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विज्ञापन रहित हुन नसक्ने विदेशी टेलिभिजनको प्रसारण रोक्न त्यहाँ मन्त्रालयले के कस्तो कार्ययोजना बनाएको छ, साथै यो ऐनको कार्यान्वयनबाट नेपालमा कतिवटा विदेशी च्यानलहरू रोकिने अवस्थामा रहेका छन् र यसले पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावका बारेमा मन्त्रालयको धारणा 15 दिनभित्र समितिमा पठाउन सूचना तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। ऐन कार्यान्वयन में इलाहाबाद विदेशी चैनल सबक प्रसारण रोकेला पर पड़ सकबाक सकारात्मक आ नकारात्मक प्रभावक विषय में मंत्रालय के धारणा सेहो 15 दिन भीतर पेश कर समिति निर्देशन दिलक। समिति में आई विज्ञ सब आ संचार मंत्रालय के पदाधिकारी सब संग के परामर्श बाद स्वदेशी टीवी के प्रवर्धन करबाक उद्देश्य से विदेशी टीवी के प्रसारण में नेपाली विज्ञापन नहीं राख सेहो निर्देशन दिलक। प्रतिनिधि सभा के महिला तथा सामाजिक समिति बाल बालिका संबंधी ऐन कार्यान्वयन के लिए तत्काल नियमावली बनाब सरकार के निर्देशन दिलक। बाल बालिका संबंधी ऐन आओर श्रम संबंधी कानून बीच भिन्नता देखल गेल कहे तत्काल नियमावली बनाकर कार्यान्वयन में आन समिति नेपाल सरकार महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय के निर्देशन दिलक। आई सिंहदरबार में बैसल समिति के बैठक में सभापति नीरू देवी पाल कानून सभा के प्रावधान में एकरूपता कायम कर निर्देशन देल गेल जानकारी दिलेन। श्रम संबंधी केही कानूनी प्रावधान बीच भिन्नता भएको देखिन्छ भने उक्त ऐन कार्यान्वयनको लागि नियमावलीको समेत अभाव देखिन्छ। यस्ता कानूनी प्रावधानहरूमा एकरूपता नहुँदा कार्यान्वयन पक्ष जटिल हुन गएको समेत देखिएकोले समितिको यो बैठक यस्ता प्रावधानहरूमा एकरूपता कायम गर्नेतर्फ द्रुत गतिमा काम गर्न बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण क्षेत्रको समन्वयकारी भूमिकाको स्पष्ट पहिचान गरी विद्यमान नीतिमा समय सापेक्ष सुधार गर्न गराउन र उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि यथाशीघ्र नियमावली बनाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन समिति महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। कोभिड महामारी आ प्राकृतिक प्रकोप से संकट में पड़ल बाल बालिका सब शारीरिक मानसिक सामाजिक शैक्षिक तथा प्राविधिक रूप में प्रभावित भेला से एहिके विस्तृत मूल्यांकन कऽ कऽ भावी रणनीति बनाब समेत समिति निर्देशन देलक। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 9,65,654 पहुँचल संक्रमित के संख्या विश्व में 3,12,76,684 पहुँचल संक्रमित में से 2,28,53,199 गोटे इलाज बाद ठीक हुए कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 2,04,122 गोटे के मृत्यु होल 70,00,000 से बेसी संक्रमित रहा है। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,36,895 गोटे के मृत्यु होल तेसर सबसे बेसी फ्रांस में 87,933 गोटे के मृत्यु होल भारत में 54,91,410 गोटे संक्रमित रहा है। मेक्सिको में 73,493 गोटे के मृत्यु होल तहिना बेलायत में 41,777 गोटे के मृत्यु होल इटली में 35,707 गोटे के जान गए फ्रांस में 31,284 स्पेन में 30,495 आ ईरान में 24,478 गोटे के मृत्यु होल चीन में 4,634 गोटे के मृत्यु होल तहिना सऊदी में 4,454 यूएई में 405 कतार में 211 आ मलेशिया में 130 गोटे के मृत्यु होल। अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। नेपाल में कोरोना से और 16 गोटे के मृत्यु आय और 11,54 गोटे संक्रमित बढ़ल आय से आंतरिक हवाई सेवा शुरू जनकपुर धाम में सेहो काठमांडू से दुटा उड़ान भेल सड़क विस्तारक क्रम में जनकपुर धामक सुकुमवासी बस्ती में डोजर चलल वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कह कर घर तोड़ल गेल उपराग बेरोजगारी समस्या बिकराल रेलवे में 129 सीटक लेल जनकपुर धाम में मात्र प्रतिदिन करीब 25 गोटे आवेदन द रहा बिना ऑक्सीजन 10 बेर सगरमाथा के सफल आरोहण कने आंगरिता सिरपा के निधन बेस्त अपन टेलीविजन देखते रहा नमस्कार।